अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अदनान रूफ अपने चैनल पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ हाजिर हूँ। एज़ पर रूटीन हम डेली सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। आज की छोटी सी स्टोरी है और वो स्टोरी यह है कि जंगल में आग लग गई, सारे जानवर बाहर आ गए। एक मैना जो है वो बार बार जाती करीब नहर से पानी भरती अपनी चोंच के अंदर और वापस आकर उसमें डालती। परिंदों को जानवरों को शुरू में समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बिलाखिर उन्होंने रोक के उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं आग बुझा रही हूँ। तो सारे हंसने लगे। उसने कहा, तुझे ऐसा लगता है कि तेरी चोंच में भरा हुआ एक कतरा पानी जंगल की आग बुझा सकता है? उसने कहा, हाँ मैं ये जानती हूँ कि इसे आग नहीं बुझेगी, लेकिन कम अज कम कल मैं ये कह सकती हूँ कि जब जंगल में आग लगी थी जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया, ना कि मैं खड़े होकर देखती रही। ये स्टोरी एक वाक्य से है कि अभा बाईपास को हमने आते जाते बार बार हाईलाइट किया, तो एक मीडिया की पर्सनैलिटी मेरे पास आई, उसने बातचीत की मुझसे और उनकी मेहरबानी से आला इकदार तक जितने लोग हैं हमारे आला हुकाम उन तक बात पहुंच गई। और जब हम गुजरे यहाँ से तो अल्लाह ताला के हुक्म से कल इसमें रोड ही डलना शुरू हो गई। वो जो ख़तरनाक किस्म गड्ढे पड़े हुए थे जिसमें गाड़ियाँ फंस रही थीं, सीमेंट की गाड़ियाँ फंस रही थीं, ट्रॉले फंस रहे थे, एक ट्रक के एक्सीडेंट हो गए, ये सारी चीज़ें से बचत हो गई। आज उसी रास्ते से जिस पे 15 मिनट लग जाते हमें गुजरते हुए सिर्फ एक टुकड़े पे, आज उस रास्ते से हम इजीली आ गए। तो अपने आसपास जहाँ पर भी आप ऐसी कोई चीज़ देखें, कोशिश करें, अपने कोशिश तो करें उसको हल करने की, उसको हाईलाइट करने की, उसको कुछ अपने तौर पर मसले को हल करने की, किसी के कान तक बात पहुँचा दें। कुछ पान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन। एक अच्छी खबर है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छी खबर ये है कि हब बाईपास की मैंने इस पर अपडेट की थी और ये सारा रोड पे मिट्टी डल चुकी है। कल जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ट्राले फंसे हुए थे, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है कि हब चौकी के जो आला अहदेदारान हैं उन्होंने बात सुनी, बात तक बात पहुँच गई और अल्हम्दुलिल्लाह जितना रोड हमारा यहाँ डैमेज था कल से हम गुजर रहे थे, जब सुबह गुजरे तब भी डैमेज था, शाम को जब आए तो मैंने देखा वहाँ भर्तियाँ डलना शुरू हो गई। तो मज़ीद अभी आपको दिखा दें और ये सब आप लोगों की हौसला अफजाई से हुआ। ये देखें, ये सारी भर्ती डल गई, ये देखें ये भर्ती सारी डल गई। अब इस पर कंक्रीट का काम यहाँ हो गया है, जैसे कार रोड बेहतर होगा तो इंशाल्लाह रोड भी बन जाएगा, लेकिन कम से कम किसी ने सुनी तो सही बात। तो इस तरह अगर आप हौसला अफजाई करते रहेंगे, मैंने से ये सोचा कि यार एक चीज़ क्या कर सकती है, एक आदमी मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, मीडिया की पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास एक मीडिया के साहब आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार दान भाई वो चीज़ें आपकी फॉरवर्ड हो गई हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो हमारे एक बड़ी नामवर हस्ती हैं यहाँ आपकी, क्योंकि नाम लेने से मना करते हैं वो भाई, तो माशाल्लाह उन्होंने भी ताउन किया और अब ये काम हो चुका है सर। ये वही जगह है जहाँ बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था और दोनों तरफ से गाड़ियाँ फंस रही थी। अब ये सब जगह कंक्रीट डल गया। अभी इस वक्त अब चौकी में जबकि इतनी इमरजेंसी है इस वक्त बारिशों की बलूचिस्तान में, उसमें ये काम इतनी जल्दी होना ये बड़ी बात है। तो कम अज़ कम अब यहाँ गाड़ी नहीं फंसेंगी। तो आपने इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको शेयर करना है और हमारी हौसला अफजाई करनी है, ताकि कम अज़ कम जिस जगह हम कुछ भी कर सकते हैं एक इंडिविजुअल होके तो हम ज़रूर करें। ये सारी जगह भराई होगी, देख लें आप, ये सब जगह खड्डे थे, ये सब जगह मिट्टी, इन्होंने कम अज़ कम और कंक्रीट डाल दिया। जज़ाकअल्लाह, अपना अपने आस पास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रूफ़ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।